विस्तार से मिशन चंद्रयान आदित्य वन के बाद अब हिंदुस्तान के मानव मिशन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन गगनयान अगले साल तक लॉन्च होगा, वहीं आज इस मिशन में जाने वाले चारों पायलट भी सामने आ गए। पिछले साल अगस्त में इसरो ने चंद्रयान को चांद के साउथ पोल पर उतारकर कीर्तिमान बना दिया था। उसके बाद सूर्य मिशन पर आदित्य L1 को भेजा गया, लेकिन इसरो यहीं पर नहीं रुकने वाला। अब भारत के पहले मानव मिशन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। चांद और सूरज के बाद भारत एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर दिन रात काम कर रहा है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए भारत से टेस्ट पायलटों ने आवेदन किया था, जिसके बाद 12 पायलट चुने गए थे और आखिर में 4 टेस्ट पायलटों का चयन हुआ। सबके मन में उत्सुकता बनी हुई थी और आज उन चारों अंतरिक्ष यात्रियों से पर्दा उठ गया है। सभी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। पीएम मोदी तिरुवंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे थे। उन्होंने पायलटों से बात करके शुभकामनाएं दी, इसरो के वैज्ञानिकों को सराहा। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है जिसको जल थल नभ और अंतरिक्ष में। पीएम मोदी ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों को आश्वस्त किया कि हिंदुस्तान का स्पेस मिशन बिना रुकावट के चलता रहेगा। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। गगनयान मिशन के तहत 4 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। मिशन गगनयान के तहत जाने वाले चारों टेस्ट पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग रूस में हुई थी। गगनयान की लॉन्चिंग से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा और बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।